नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन पे। एपिसोड नंबर 29 पार्ट 1 में अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र न्याय का प्रारूप बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी जो राजमाता थी उनके लिए निर्णय बदल दिया है कि इनकी जो सजा है उसको केवल परिवर्तित कर देते हैं, राज्य छोड़ने के ऊपर मत सृजनों को आदेश दिया है। लेकिन बड़ा बड़ा डिसीजन है ये, मौत से ज्यादा बड़ा है क्योंकि पूरे राज्य को दे दिया ना। अब ये देखना ये है कि पांडु के पुत्र कैसे हैं या पांडु का व्यवहार अभी कैसा है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, लेके चलते हैं आपको एपिसोड नंबर 29 पार्ट 2 के लिए। अर्जुन, 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 अर्जुन। ओ, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड कैरेक्टर, सबसे चहीता कैरेक्टर, सही बात, लव वांटेड नहीं, लव। ज्यादातर हाइलाइटेड करेक्टर तुम्हारा एक भीष्म हुआ, भीम और एक कर्ण, कर्ण तो है मतलब इन दोनों में वही तो हुआ। अभी तो गुरु द्रोण की भी एंट्री बनी है यार, वही तो देखने मजा आएगा यार। भाई भाई ये तो अलग लेवल पे चल रहा है यार। वाह, जैसे कर्ण ने तीर में से तीर निकाल दिया तो पालक ही। अरे दांडी अभी अर्जुन को मिला नहीं है, ये गाना अभी सूट नहीं कर रहा है, लेकिन बीजीएम तो डाली दी है ना पहले से। तभी जब मिलेगा तब मिलेगा, हम लोग भी गलतियां पकड़ते हैं यार। देखा, खाने पे टूटे होंगे। बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगा खाने पे होंगे। जुगाड़ तुलसी का होगा भाई, हो सकता है, लग रहा है नहीं, खेल रहे भाई पहिया पहिया। एक हाथ में खाना भी भाई, बैठने का जुगाड़ कर रहे हैं। अर्जुन भीम से बड़े थे ना? नहीं, अच्छा अर्जुन तीसरे तीसरे थे, भ्राता भीम में। ठीक है, ये जीव जंतुओं की बातें सब समझते हैं। अपना दावत लेके चालू हो गए। ये सब लोग अपनी अपनी दाढ़ी लेके आ गए, सबका खाना लेके आ गए थे क्या? लगा सबके लिए लेने गया था लेकिन अब अकेले नहीं पड़ रहा है। लाओ दे देते हैं। और एक सहदेव को। हाँ। क्या कर रहे हो?
पहले अन्न पूजन तो कर लो। तो बोकड़ा आदमी बना रखा है। चलो खाना हो गया ना तुम दोनों का, अब जाओ जाकर खेलो। ये ठीक था, पानी तो पी लिया ना। तुम दोनों को मैंने एक एक लड्डू दिए थे भ्राता भी, पर अन्न पूजन के लिए जब हम लोग ने आंखें बंद की तो आपने हमारे लड्डू खा लिए। अर्थात मैं चोरी करता हूँ? अपने ज्येष्ठ भ्राता पर चोरी का आरोप लगाते हो, खुद तो त्वरा से खाते हो, जैसे कभी देखा है ना, लज्जा नहीं आती? हमने तो केवल देखा ही है, खाने को तो मिलते ही नहीं हमें। योग्य है ना, बालकों के लिए लड्डू खाना योग्य नहीं। लड्डू खाने से पेट पर बल पड़ने लगता है। माता ने पिताश्री के लिए जो सत्तू बनाया वो जाकर खा। ना मुझे लग रहा है तीर आने वाला है। अर्जुन, मेरा लड्डू, अर्जुन मार पड़ेगी। चलो किसी ने तो याद किया भाई, तो क्या है याद ही नहीं किए जाएंगे। सबको अपने अपने हिस्से का मिल गया भाई। बहुत हो गया, तुम तीनों एक एक लड्डू भी नहीं खा पाओगे। वो सब लड्डू भीम को खाने दो। ज्येष्ठ भ्राता, इन्होंने मेरे चार लड्डू ले लिए। चार लड्डू में मेरा क्या होगा? आप जानते हो ना मेरा नाम रुकोदर है। शांति से खाओ भीम, फिर फलों से भी पेट भर लेना। ये लीजिए भ्राता, हम तीनों आधा आधा खा लेंगे। यदि तुम तीनों आधा आधा लड्डू खाओगे तो आधा बचेगा। जाओ तू वो लेकर आ। तुम तीनों मेरे साथ खाओ। बैठो अर्जुन, सहदेव आओ। राधा श्री, आप प्रेम करते हो, यह हत्या करने का प्रयत्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे कहते हैं आपकी प्रेम। पूरा बचपन इन लोगों के बचपन को भी अगर देखा जाए तो कितना कष्ट रहा है। बेचारे बचपन जंगल में, जवानी जंगल में। देखिए बचपन ये था कि जंगल में था तो उन लोगों को भाई पहले से पता नहीं था राज्य का। ये भी प्रैक्टिस करते हैं।
गजब पराक्रम है भाई, अग्रेशन ज्यादा है। पुत्र धृतराष्ट्र, आपके शब्दों के कंपन से ही मैं जान पाता हूं कि आप विचलित है राजमाता, किंतु न्याय सभी को संतोष दे ये आवश्यक तो नहीं। तुमने जो किया वो न्याय नहीं था धृतराष्ट्र, अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा होना ये योग्य नहीं है। बटन दबा दिया। आप मुझे मेरे अंधत्व का ज्ञान करवाने आई है यहाँ? नहीं, मैं तुम्हें ये ज्ञान करवाने आई कि तुम एक राजा, तुम्हारा प्रथम उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति है। जो कुछ भी हुआ पुत्र के प्रति मत, प्रजा का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारे पुत्र का था और उस दोष का दंड मत्स्य प्रजा को देना योग्य नहीं था। तुम उन्हें उनकी भूमि लौटा दो। राजमाता, मैंने सुना है कि जलाशयों के मत्स्यों को अपने जलाशय से इतना प्रेम होता है कि यदि जल सूख जाए तो वो मर जाते, किंतु अपने जलाशय को नहीं छोड़ते, किंतु उनकी भी एक मर्यादा ही होगी। आपकी मर्यादा क्या है कि अपने मछुआरे के जीवन का आपको अब भी विस्मरण नहीं हुआ? उस जीवन को आपने पीछे नहीं छोड़ा राजमाता। आज मैं आपको एक परामर्श देता हूं राजमाता, आप राजमाता के रूप में विचार कीजिए, एक मत्स्य कन्या के रूप में नहीं। भर भर के ताने मार रहा भाई। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आपसी प्रेम और सौहार्द से कैसे पांडव के पुत्र फल फूल रहे हैं, यानी दूसरी तरफ अभी तक सब कुछ मिल गया, धृतराष्ट्र को सब मिल गया, राज्य मिल गया, पुत्र मिल गया, लेकिन फिर भी मन में जो एक क्रोध है वो नहीं शांत हो रहा, वो शांत नहीं हो रहा। इससे पता चलता है कि आपका जैसा व्यवहार है वैसे ही आपके पुत्रों या आपके पुत्रों की प्रवृत्तियां होने वाली। पांडु के पुत्रों को शिक्षा आपसी प्रेम से ही मिल रही है। पांडु भी बहुत शांत थे, शांत थे, इसीलिए उनके पुत्र भी शांत थे। और ये बचपन में ही, ये जो अपने दुर्योधन है, ये लड़ाई में ही इनकी प्रवृत्ति रही है। राज्य शुरू से मिला हो तो वैमनस्य आ ही जाता है, वही फैसिलिटी वाली बात है जो आज के युग में वही हाल है। एपिसोड देखने की बड़ी जल्दी हो रही है हमको, तो जल्दी लेके लौटेंगे एक और नया एपिसोड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।